नमस्कार दोस्तों, हाल शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 2.4% की क्लियर आपको तेजी देखने को मिल रहा है। तो उसके साथ देख सकते हो स्टॉक में एक बुलिश कैंडल दिखाई दे रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सवाल आ रहे हैं क्या स्टॉक में और भी गिरावट आएगा या स्टॉक में तेजी आएगा, तो अगर ऊपर बढ़ेगा क्या टारगेट रहेगा, नीचे जाएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा। सभी कंडीशन को आज हम इस वीडियो में क्लियरली समझने वाले हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखिए। दोस्तों नोटिस कर सकते हो हाल शेयर स्टॉक अब एक्जैक्टली एक अप ट्रेंड में कंटिन्यू करता आपको नजर आ रहा है। स्टॉक बार बार अपना ट्रेल लाइन को सपोर्ट बना के क्लियरली ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से देख सकते हो स्टॉक यहाँ से अपने एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया और ऊपर बढ़ के स्टॉक यहाँ पे हाई लगा, देख सकते हो आपके सामने 5680 के पास में हाई लगा था, राइट। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं स्टॉक धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पर। जब हम चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पर नोटिस कर रहे हैं तो देख सकते हो आपके सामने एक सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4033 में है और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर नजर आ रहा है जो कि 3665 के पास में। तो एग्जैक्टली और एक कंडीशन को देख सकते हो, स्टॉक अब एग्जैक्टली एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहे हैं और बार बार अपना ट्रेल लाइन को रेजिस्टेंस बनाकर नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसी कंडीशन के हिसाब से आपको एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर भी दिखाई दे रहा था जो कि 4478 का लेवल में था, इसको ब्रेक डाउन करके स्टॉक नीचे आ चुका है। तो अभी के लिए आपको रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है 4936 में और जैसे स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक में डेफिनेटली तेजी का मूवमेंट भी बनेगा। सो दोस्तों स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की कोई भी सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज बनाए गए। इस वीडियो को एक लाइक करें। सो धन्यवाद दोस्तों।